But party mode is on. केक आ चुका है यहाँ पे सोने का, सोने तक केक देखा नहीं है, मेरा केक रियल हो गया है। खत्म बेटा खत्म, चलो भाई घर जाने सुई जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज है हमारा सेकंड डे इन डेला रिजॉर्ट्स और इसका पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज है सोनू का बर्थडे, सोनू हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ओह काफ़ी सनी है, मैं अपने स्पेक्स भूल गया खाए गए में, बिकॉज यू नो मुझे बहुत ही भूख लगी है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाय द वे, एंड ऑलमोस्ट अभी कितना 9 तो बज ही चुके हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज सो ह्यूज, हमें ऐसी बग्गीज लेके जानी पड़ रही है। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं यहाँ पे कैफे 24 में, हमारा लंच डिनर सब यहीं पे प्लान है। लाइक यहाँ पे 6 रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो अगर हमें मौका मिला हम वहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज कैफे 24, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पूल साइड व्यू ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। सॉरी पीछे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है अभी, एंड यहाँ पे लाइव डोसा काउंटर है, लुक एट दिस। सो एंट्रेंस में पहले हैं सारे जूसेस, एंड यहाँ पर है फ्रूट सेक्शन, और यहाँ पर है सारे कोल्ड कट्स चीज़ेस सारे बहुत सारे। यहाँ पे ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, और इसके बिना तो मतलब ब्रेकफास्ट अधूरा ही है। पोहा है, इडली वड़ा है, यहाँ पे सारा चीज़ें सांभर है, नहीं क्या है किंग वाले आलू, ओके। यहाँ पे है वॉफल्स, पैनकेक्स, क्रोसॉन्स, यहाँ पे टॉपिंग सारे सिरप्स हैं, नटेलाइज है, पीनट बटर इज देयर। सो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कांदा पोहा, एक वड़ा एंड ब्रेड टोस्ट, और बटर है, और यहाँ पे मुझे ये ऑरेंज मामलेट दिखा, सो मैंने लिया है, आई लव ऑरेंज मामलेट्स, सो लेट्स हैव इट। यहाँ पे एक फोटोग्राफर हमें मिले हैं, पुणे के हैं वो, तो वो भी आ रहे हैं दोपहर को फोटो शूट करने के लिए। आई थॉट चलो कुछ पिक्चर्स वगैरह यू नो अच्छे से क्लिक करवा लेते हैं। सो गाइज, आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग रूम में आ गए एंड थोड़ा बहुत रेस्ट किया। सोनू अपने कुछ यू नो ट्रांजिशनरीज वगैरह ले रही थी अंदर रूम के अंदर। नाउ इट्स 1 o'clock, और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, बट पार्टी मोड इज ऑन। सो एनीवेज, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लंच करना है, लंच के लिए जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। बिल्लू ओके, सो वी आर इन कैफे 24 राइट नाउ, एंड गाइज अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मस्ट विजिट दिस कैफे 24। यहाँ का खाना इज सो डिलिशियस, मल्टी क्यूजिन है, एंड द स्टाफ इज ऑल्सो वेरी गुड, दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ अस। एंड आज तो सोनू का बर्थडे है, तो और स्पेशल केयर यू नो हो रही है हमारी। सो येस, वी हैव ऑर्डर्ड फूड, और अभी जैसे आएगा टूट पड़ेंगे। तो इसके बाद कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बिकॉज मैंने गलती से माइक को म्यूट मोड पे डाल दिया था। बट एनीवेज, बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ एक छोटा सा प्रैंक करूं। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही खाना आएगा सबसे पहले मैं सर्विंग लूंगा, और मीन टाइम जब सबको खाना सर्व हो रहा होगा मैं एक बाइट लेके ऐसे व्यूअर से फेसेस बनाऊंगा कि जैसे कि खाने में कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने यहाँ पे खाना ले लिया, और फर्स्ट बाइट लेते ही मैंने फेसेस बनाना शुरू कर दिया, और जो हमें खाना सर्व कर रहे थे वो जेन्युइनली डर गए थे, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि खाने में कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ। बट मैं उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाया, बिकॉज मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी। थोड़ी सी एक्टिंग करने के बाद उन्होंने शेफ को बुलाया कि शेफ देखिए यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है खाने में, और जैसे शेफ आए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने उन्हें बताया कि खाना बहुत ही डिलीशियस बना है। आफ्टर दैट शेफ ने हमें अंगूरी रसमलाई खिलाई, जो काफी 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 डिलीशियस थी। एंड आफ्टर लंच उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। सो गाइज, ये है उदय, मिलिए इनसे, ये हमारा फोटो शूट करने आए हैं।
हमें टाइम दिया था इन्होंने कितने 3 बजे का, फिर बोला वो 4:15 को आएंगे और वो ये पहुंचे हैं 5 बजे। थैंक यू सो मच। लाइट बहुत है अपने पास, 8-9 बजे तक आज सूरज निकलेंगे। और ये है आकाश जो इनके साथ आया। किधर अटक गए थे, सो गए थे आप लोग खाना खा के कि क्या हो गया था? शूट चालू था, शूट चालू था। सच्ची में कि खाना खा के आँख लग गई, ऐसा सीन हुआ? अच्छा, खाना खाने का टाइम नहीं मिला। ओके, सो गाइज हमारा शूट तो काफी अच्छा चल रहा है। ये मेरा सेकंड आउटफिट है एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू एडवेंचर पार्क। फाइनली हम लोग जा रहे हैं। सो हमें अभी एंट्री मिली है एडवेंचर पार्क में। इट्स 6:40, वी हार्डली हैव 20-30 मिनट्स मैक्स। सो यहाँ पे ऐसी ATV बाइक्स है जो मैं करने वाला हूँ। सो एक्साइटेड, जल्दी से एंट्री लेते हैं, अच्छे से शूट करते हैं और फिर जाते हैं। मुझे जिप लाइनिंग भी करना था बट अभी मैंने ऊपर आके देखा वो बहुत ऊपर है, वहां से एकदम नीचे आना है, मुझे डर लग रहा है अभी के लिए। माई गॉड, वॉट अ हेक्टिक डे इट वॉज। बहुत ही मतलब थकान हो रही है अभी। राइट नाउ इट्स 10:00 और अभी हम लोग जाके बैठे हैं। सो गाइज अभी फाइनली पूरा दिन खत्म हो गया, तब जाके अब हम सोनू का केक कटिंग कर रहे हैं। सो यू नो वैसा हमारा प्लान था कि हम लोग ऑलमोस्ट शाम को केक कटिंग करेंगे, बट हम लोग शूट कर रहे थे एडवेंचर पार्क में थे, सो वहाँ पे हम बिजी हो गए और फिर थोड़ा बैठे हुए थे, तो वी थॉट कि रिलैक्स होके फिर केक कटिंग करते हैं। तो सोनू चेंज करके आ चुके हैं, शी इज लुकिंग सो प्रिटी राइट नाउ। केक आ चुका है यहाँ पे सोनू का। सोनू अभी तक केक देखा नहीं है, मेरा केक देख लिया है। बहुत ऐसा छोटू सा केक है, एक्चुअली वो KG के केक वो खाने होते नहीं है। दिस इज लाइक ऐसा 2-4 चम्मच खा लो खत्म। So guys, we have come for dinner and I'm just loving the vibe. और यहाँ पे बहुत loud music बज रहा था, but अभी अचानक से बंद हुआ, तो I thought चलो मैं आपको update देता हूँ, vlog shoot करता हूँ। And हमने खाने में order किया है mixed sauce spaghetti, then we have ordered pizza, we have ordered sushi. I wanted to eat sushi and yeah, that's it. और क्या किए जो भी आएगा बता देंगे, खाएंगे। I'm so hungry and sleepy also, tired also. बहुत भागम दौड़ी हो गई हमारी। It's 11, late dinner हो रहा है आज हम लोग का, करना तो नहीं चाहिए, but ठीक है, we thought कि थोड़ा आराम से rest करके जाते हैं। And सोनू का birthday बस सभी almost ख़त्म होने आया है। ख़त्म बेटा ख़त्म, चलो भाई घर जाने, सुई जाओ। यहाँ पे जो अभी नाइट मैनेजर है कैफ़े 24 के, उनका नाम है रिजवान जी। ये है रिजवान जी एंड ही केम एंड ही सेड कि सर हमने कुछ छोटा सा प्रिपरेशन की है। सो देयर इज अ स्मॉल केक, बहुत प्यारा लग रहा है एंड ये अच्छा सा डेकोरेशन करके रखा हुआ है उन्होंने। थैंक यू सो मच रिजवान जी, थैंक यू सो मच। सोनू, आई एम डन विथ योर डिनर। यस, कम आउट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। यस, कम 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 कम। नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके गाइस, सो कल रात को डिनर के बाद हम लोग रूम पे आए एंड हम लोग बैठे थे, फिर सो गए, बहुत नींद आ रही थी हमें। सो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं एडवेंचर पार्क को एक्सप्लोर करने। कल हमने यू नो घाई घाई में ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, यहाँ पे चीज़ें नहीं देख पाए और लाइट भी डाउन हो चुकी थी। सो ये है एडवेंचर पार्क। सो यहाँ पे आई थिंक ये क्या है, स्वूप की फ्री फॉल टाइप से आई थिंक। सो गाइज अभी हम लोग चेंज करके वापस आ चुके हैं एडवेंचर पार्क में एंड यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ कुछ चीज़ें देखनी थी, एक्सप्लोर करनी थी। सो यहाँ पे मेरे पीछे है डेला शूटिंग रेंज। यहाँ पर हैं ढेर सारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट हॉर्सेस और एक और अभी जस्ट अपने रूम से बाहर निकला है। क्या टाइमिंग था। हेलो दादा, बादल नाम है इसका। वाह, हाय बादल।
सो क्यूट यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेज हैं। मुझे एक चीज़ इस रिजॉर्ट की वो अच्छी लगती है दैट यहाँ पे आप जहाँ पे भी देखोगे ग्रीनरी है, हरियाली ही हरियाली है। सो इफ़ यू लव नेचर यू शुड डेफिनेटली कम हियर। हेलो, ये फैन है बहुत बड़ा आपका। अच्छा, ये देखो मेरे फैन भी मिल गए मुझे। हाय, से हाय। एक सेल्फी लेंगे? ऑफ कोर्स, आ जाइए। व्हाट, बाप रे बाप, ये कुछ तो गिरा। सुबह से अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं हमारे रूम से एंड वी हैड गाला टाइम ओवर हियर इन डला रिजॉर्ट्स। एंड स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूंगा टू द एंटायर टीम ऑफ डला रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट स्टाफ एंड एवरीवन फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस। एंड बहुत ही अच्छा लगा हमें, यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी कोऑपरेटिव है एंड बहुत 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 अच्छे से हमारा ध्यान रखा सभी ने। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए अब हम चलते हैं और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक दिस वन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हर चैनल ऑल्सो। सी यू देन, बाय बाय।